How to fix Realme and Oppo fingerprint and face lock problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज YouTube चैनल पर. तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं फिंगरप्रिंट एंड फेस लॉक प्रॉब्लम के बारे में. ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पर फेस लॉक में भी प्रॉब्लम है, फिंगरप्रिंट पे भी प्रॉब्लम है, तो आपको कैसे ये प्रॉब्लम फिक्स करना है, इसी के रिगार्डिंग पर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा. तो उस सॉल्यूशन को फॉलो करते हुए आप प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं. ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं, फ़ोन को फिंगरप्रिंट से ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं हो पाते और फेस लॉक जो है यहाँ पर काम करना बंद कर देता है. तो इस तरीके का जो इश्यू है, उसमें हम क्या क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं, ये इस वीडियो पर आपको देखने को मिलेगा. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें. यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा. तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं. तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आप एक बार मोबाइल को रिस्टार्ट करके देखें. ठीक है, कभी कभार क्या होता है, रिस्टार्ट के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है एकदम से. तो एक बार रिस्टार्ट करके देखें, अगर काम बन जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होते तो सेटिंग पर जाए, फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड को ओपन करें. पहले फिंगरप्रिंट जो है उसको आप रिमूव करके रिएड कीजिए. ठीक है, यहाँ से आप फिंगरप्रिंट को रिमूव कर सकते हैं. उसके बाद दोस्तों, आप फिंगरप्रिंट को जो है रिएड कीजिए. रिएड करने के बाद दोस्तों, आप चेक करके देखिए, फिक्स हो जाएगा प्रॉब्लम. और फेस लॉक में भी सेम. ठीक है, अगर आपने फेस लॉक ऐड किया हुआ है तो फेस लॉक को रिमूव कर दीजिए, ऑल वाला, पुराना वाला को. उसके बाद रिएड कीजिए अपने फेस को. ठीक है, और अच्छे से रिएक्ट कीजिए. ठीक है, थोड़ा सा ब्राइट प्लेस में जाइए. ठीक है, घर के बाहर में जाके या फिर लाइट में अपना फेस को जो है ऐड कीजिए. और जब भी आप स्क्रीन को अनलॉक करोगे फेस की मदद से, तब आपके एरिया के आसपास लाइट होना चाहिए. ठीक है, तो उस वक्त अच्छे से आपका फेस लॉक काम करेगा. तो पहले तो आपको यह सब चीज़ जान लेना ज़रूरी है. उसके बाद दोस्तों, रिट्राई करके देखें, प्रॉब्लम आपका फिक्स हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा. बाई एनी चांस अगर आपको ये प्रॉब्लम दोबारा से आते हैं, ठीक है, तो आप अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर को अपडेट करें. तो सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो जाइए और सॉफ्टवेयर को अपडेट कीजिए. जैसे आप सॉफ्टवेयर अपडेट करोगे, आपके फेस लॉक, आपके फिंगरप्रिंट लॉक दोनों का प्रॉब्लम एक साथ फिक्स हो जाएगा. और दोस्तों, जब भी आप फिंगरप्रिंट ऐड करते हैं अनलॉक करने के लिए मोबाइल को, तब आपका फिंगर साफ़ होना चाहिए. ठीक है, और सेंसर भी आपका साफ़ होना चाहिए, उसमें कुछ लिक्विड वगैरह नहीं लगा होना चाहिए. ठीक है, और आपके जो फिंगर है वो भी लिक्विड वगैरह से यहाँ पर लिक्विड वगैरह नहीं होना चाहिए. ठीक है, बस यही है. तो यहाँ पे दोस्तों, अगर आपके हाथ में जो है उंगली में पसीना वगैरह लग जाते तो अच्छे से काम बिल्कुल नहीं करेगा. ठीक है, तो आपको पोंछ के जो है फिंगरप्रिंट को ऐड करना है, ताकि आपका फ़ोन जो है उसको डिटेक्ट करे और अनलॉक कर दे. ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों, आप जो है फेस लॉक एंड फिंगरप्रिंट लॉक के जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स कर सकते हैं. तो आज की इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही. उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.